हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जो अटेंडेंट की वैकेंसीज़ के लिए आपके काउंसलिंग कंडक्ट की जा रही है मंडी डिस्ट्रिक्ट की, इसका एक नया नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे, अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की हिमाचल जॉब्स की अपडेट्स आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन जब भी चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मंडी के द्वारा। और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो अटेंडेंट की वैकेंसीज़ जो थी 19, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे 2020 में, इसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट होगी 29 जुलाई 2021 को। और इसके लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है जिसके रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो बनाया था। लेकिन उस एलिजिबल लिस्ट के जो जारी की गई है कैंडिडेट्स के लिए, उसमें सारे के सारे जो है काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। जो इस आज की नई लिस्ट में नाम जारी किए गए हैं वही कैंडिडेट जो हैं इस काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे और इन्हीं को मौका मिलेगा इन वैकेंसीज़ के लिए अपना जो पक्ष रखने का और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करवाने का। तो बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको उस लिस्ट में से बुलाया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। तो पहली बात तो ये है कि काउंसलिंग कंडक्ट होगी 29 जुलाई 2021 को। इस दिन आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आना होगा। आना कहाँ पे है आपको? कार्यालय उपनिदेशक पशु स्वास्थ्य प्रजनन मंडी जिला मंडी में। इसके लिए ओबीसी, ओबीसी बीपीएल और अंत्योदय के लिए जो काउंसलिंग कंडक्ट होगी वो होगी 29 जुलाई 2021 सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक। वेन्यू आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बताया गया है। देन जनरल कैटेगरी के लिए जो काउंसलिंग कंडक्ट होगी वो होगी 29 जुलाई 2021 11:30 बजे से लेके 5 बजे तक। अब इसमें बात करते हैं बुलाया किसको गया है, तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं इनमें हैं टोटल, बात करें अगर कैंडिडेट की तो इसमें हैं टोटल 57 कैंडिडेट जिनको बुलाया गया है। और यही 57 कैंडिडेट जो हैं ये काउंसलिंग में अटेंड कर पाएंगे, यानी कि यही 57 कैंडिडेट जो हैं इस काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, बाकी जो हैं इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और लास्ट में 57 कैंडिडेट जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा उनका नाम है यहाँ पे कमलेश सुपुत्र श्री इंद्र सिंह गांव बडियार डाकघर वरगांव तहसील कोटली जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। और बाकी 56 तक आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस के साथ, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई है। तो ये 57 कैंडिडेट जो हैं इनको जो है मौका मिलेगा यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करने का। जो पूरी लिस्ट है उसमें से सिर्फ यही 57 जो है इनको ही यहाँ पे बुलाया गया है और इनको ही यहाँ पे मौका दिया जाएगा इस काउंसलिंग को अटेंड करने का। बाकी कैंडिडेट इसमें अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कट ऑफ जो है इसमें क्लियर नहीं हुई होगी। जो मार्क्स लिस्ट मैंने कल जारी की थी, जो चैनल पे लिंक उसका अटैच किया हुआ था, आज की इस वीडियो में भी इसका लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जिनको बुलाया गया है उनके कितने मार्क्स थे और आपके कितने मार्क्स थे और किस कारणों से आप जो है इसमें रह गए हैं। तो इतना था गाइज आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और इस तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।